माई सेल्फ प्रतिमा गुप्ता, मैं दादाबाड़ी कोटा निवासी हूँ और एक वर्किंग वुमेन भी हूँ। पिछले 2 साल से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, चलती थी तो थोड़ा सांस फूलती थी, सीढ़ी चढ़ने में या कोई भी वर्क करती थी तो थोड़ा लोड लगता था शरीर पे। तो इतना इजीली ले लिया हमने क्योंकि भाई इतनी यंग है जे, तो कुछ ऐसी बीमारी हार्ट रिलेटेड या कुछ हो नहीं सकती, सोचा भी नहीं था। फिर भी एक बार बॉडी चेकअप के लिए हम गए दिखाने, तो बॉडी चेकअप में डॉक्टर ने सजेस्ट किया एंजियोग्राफी के लिए। पर मार्च में हुई थी ये बात, मार्च लास्ट ईयर 20। तो उस समय क्या हुआ कि कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में फिर डिले कर दिया। पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्या है बढ़ती गई, और रात में सो नहीं पाते थे, वॉमिटिंग हो जाती थी, घबराहट होती थी। फिर डॉक्टर अंशु काबरा ने हमें सजेस्ट किया, उनसे बात की गई तो कि आप एंजियोग्राफी कराइए। तो भी हम थोड़ा सा लेट हो गए, एंजियोग्राफी नहीं करवाई, सोचा ही नहीं था कि कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फिर धीरे 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 करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया था कर पाना हमारे लिए कुछ। तो फिर हम जयपुर गए दिखाने नारायणा हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें सिटी एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। जब हम वो करवाने गए तो वो हो नहीं पाई, क्योंकि उसमें जो नर्व्स थी, सॉरी आर्टरीज होती है, वो क्या है कैल्सीफाइड हो चुकी थी, तो वो भी नहीं हो पाई। तो फिर वापस हमने जो दूसरी एंजियोग्राफी होती है वो करवाई। उस एंजियोग्राफी में हार्ट में जो है वो मेरे 3 ब्लॉकेज आए, वो भी 90 अबाउ थे। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया पहले तो कि आप स्टेंट डलवा लीजिए, परंतु फिर वापस जब हमने डॉक्टर अंशु काबरा से सजेशन लिया तो उन्होंने यही कहा कि आपको बाईपास करवाना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एज भी यंग है और आगे जा करके और दोबारा चांसेस बन सकते हैं इसके। तो फिर हमने दोबारा इसके लिए करवाया, ये बाईपास ही करवाया। तो अब जा करके जब साल भर बाद अब मैं वापस उन्हीं को दिखा रही हूँ रेगुलर, तो क्या थोड़ा मुझे सही लग रहा है और सही फील हो रहा है। और मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे को जो सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो शायद हमारे कोई नहीं दे पाए थे। फैमिली वाले भी एक बार तो कह दिया था कि इतनी कम एज में आप बाईपास करवाने जा रहे हो तो वो रिस्की है, आगे क्या होगा, सब डर रहे थे। परंतु उनके सजेशन से और सपोर्ट से ही हम ये सब कर पाए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू।